दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। यूं तो ये दिल्ली का तीसरा ऐसा सेंटर है जहां पर आप अपनी गाड़ी में आएंगे और आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी, लेकिन इस सेंटर की खास बात यह है कि यहां पर फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है दिल्ली सरकार के अंडर में। और यहां की जो सीएमओ इंचार्ज है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। मैम, ये जो हम लाइनें देख रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह से यहां पर व्यवस्था की है, कैसे यहां पर आकर हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? यहां जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं और यहां पे कोविशील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। हमारे पास दो सेशन साइट हैं, ये हमने ताकि अव्यवस्था ना फैले बहुत ही सिस्टमेटिक काम हो रहा है। और ये जो ड्राइव थ्रू है ये बहुत सक्सेसफुल हुई है और इसमें हम जैसे बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड और उनका अपॉइंटमेंट देखकर, और उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहीं पर इशू कर रहे हैं। फिर हम इनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में ठहरा रहे हैं और उनको हम लोग यहाँ पे हर चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं वैक्सीनेशन के लिए उस चीज़ के लिए हम इक्विप्ड हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है और एसेप्सिस का ध्यान रखा जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी में जो व्हीकल में हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं ये पूर्ण तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। कैपेसिटी है मैम, एक दिन में आप लोग कितने स्लॉट सभी लगा सकते हैं, कितनी क्षमता है यहाँ पे? वैसे तो आज हमारा फर्स्ट डे है, आज हमारा 200 बेनिफिशरीज को लगाने का प्लान है। फिर हम ऑन द स्पॉट भी यहाँ पे शुरू करेंगे और फिर हम धीरे धीरे बेनिफिशरीज बढ़ाएंगे। और यहाँ जैसा कि हम लोग बेनिफिशरीज से बात कर रहे हैं वो पूर्ण तरह से बहुत ज़्यादा से संतुष्ट हैं हमारे काम से और ये दिल्ली में बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लोग आते हैं, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, इनको वैक्सीन लग गई है। सर, आपको वैक्सीन लग गई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव थ्रू कितना बेहतर मानते हैं आप नॉर्मल वैक्सीनेशन सेंटर से? नहीं, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। तो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आप लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ये बेहतर इंतजाम लगता है? ये तो सबसे अच्छी सुविधा है, इस बारे में पहले लगवाई नहीं क्योंकि भीड़ भाड़ थी ज्यादा सब जगह, डर लगता था कहीं कहीं इन्फेक्शन हो जाए। अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, उतरना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ा, सबसे बढ़िया तरीका है, इंतजाम अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर अभी वैक्सीन लगाई गई है इन्हें और कहना है कि इंतजाम अच्छे हैं, ये ज्यादा सेफ लोगों को लगता है कि अपनी गाड़ी में ही आप बैठे हैं, आपको नीचे नहीं उतरना है। और यहाँ पर व्यवस्था जो आपको बताएं तो वो पीछे जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं ये सब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए आने वाली गाड़ियां हैं। यहाँ पर ये दो साइट्स बनाई गई हैं, ये साइट वन है और इधर साइट टू है। तो हर साइट पर तीन डेस्क होंगे, जो कि वेरिफिकेशन डेस्क है, रजिस्ट्रेशन डेस्क सबसे पहले, फिर वेरिफिकेशन डेस्क और फिर वैक्सीनेशन डेस्क। तो यहाँ पर अभी जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हैं, पहला दिन है तो सभी को अपॉइंटमेंट के साथ वैक्सीनेट किया जा रहा है। उसके बाद उसकी जाँच के बाद आपको जो वेरीफाई करने के बाद आपको वैक्सीनेशन डेस्क पर भेजा जाता है। यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। तो हर डेस्क पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिसर बैठते हैं, एक वेरिफिकेशन के लिए और एक वैक्सीनेटर होते हैं जो कि वैक्सीन लगाते हैं। अगर आप अपनी टू व्हीलर पर भी आ रहे हैं तो भी आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है उसको काफ़ी स्मूथ रखने के लिए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा उनको वेट ना करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा भीड़भाड़ यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो इस तरह से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए लोगों को ये सुविधा दी गई है कि आप अपनी गाड़ी पे बैठे बैठे ही बिना सेंटर पर उतरे आप खुद को वैक्सीनेट करा सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लोगों को समझाते हैं कि उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि आगे यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन एरिया बना दिया गया है, तो वहाँ पर करीब आधे घंटे तक रुकना होगा और उसके बाद किसी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। सर, आपने अभी यहाँ पर वैक्सीनेट कराया खुद को, कितना बेहतर विकल्प मानते हैं एज ए ड्राइव थ्रू में वैक्सीनेशन? अच्छा अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया रहा, सुविधा के लिए सबकी ठीक है। लोग गाड़ियों से अपनी जा रहे हैं, वो आगे ऑब्जर्वेशन एरिया बना दिया गया है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके उसमें इंतजार करेंगे आधे घंटे, और उसके बाद किसी तरह की अगर कोई दिक्कत नहीं होती है
तो आप सीधा अपने घर को जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बेहतर विकल्प इसलिए है कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आपको इस बात का डर नहीं है कि आप जिस जगह पर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वहाँ पर किसी तरह का संक्रमण पहले से आप हो और वो आप तक पहुँच जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये पहला ऐसा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है दिल्ली का, जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।